हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। इसमें वन नंबर क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट है, जो इसके पहले वीडियो में फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट हो गया है। इस वीडियो में हम थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए cos 45 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो इसको आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सॉल्व करना है। तो cos साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए हम मैं यहाँ पे लिखता हूं, cos थीटा होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर साइन थीटा का हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखते हैं तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आप चाहे तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, यानी कॉस है तो साइन में चेंज कीजिए, या साइन है तो कॉस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेंज कीजिए। देखिए हम इसको ही चेंज करते हैं, पहले वाले को कॉस है तो साइन में चेंज करेंगे। तो कॉस ये है तो इसको साइन में चेंज करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा हुआ। तो यहां हम लिखेंगे कॉस की जगह साइन 90 माइनस थीटा। अब थीटा की जगह पे है, देखिए कोस के साथ 45 डिग्री 48 डिग्री है, इसलिए हम यहाँ 48 डिग्री लिखेंगे। और ये माइनस का माइनस और साइन 42 डिग्री। किसी एक को चेंज करेंगे, अगर डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आएगा तब भी हम या तो एक को चेंज करेंगे, या तो नोमिनेटर को चेंज कीजिए या डिनोमिनेटर का, किसी एक को चेंज करेंगे एक को वैसे ही रहने देंगे। या अगर सब्ट्रैक्ट में दे रहा है तब भी आपको किसी एक को ही चेंज करना है, एक को वैसे ही रहने देना है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे हम साइन 90 माइनस 48 डिग्री, तो ये आएगा साइन 42 डिग्री। ये माइनस का माइनस और ये साइन 42 डिग्री। तो देखिए साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, जीरो। तो आपको अगर किसी सेम डिजिट में से सेम को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जीरो आता है। अगर हम दो में से दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो, फोर में से फोर को सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो। सिमिलरली साइन 42 डिग्री में से माइनस साइन 42 डिग्री करेंगे जीरो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कोसेक 31 डिग्री माइनस है सेक 49 डिग्री, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहले कोसेक और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता होना चाहिए कि क्या होता है। चलिए मैं लिखता हूं सेक और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए कोसेक का, कोसेक नाइन, कोसेक का फॉर्मूला कोसेक थीटा होता है सेक 90 माइनस थीटा, और इसका होता है अगर हम सेक का लेते हैं सेक थीटा, इसका होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो सेक और कोसेक का वही सबका फॉर्मूला होता है कि थीटा 90 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे हम कोसेक को या सेक को, किसी एक को चेंज करेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में पहले वाले को चेंज किए थे, मैं दूसरे वाले चेंज करके आपको बताता हूं। चलिए इसको कोसेक 31 डिग्री का वैसे ही रहने दीजिए, माइनस का माइनस कीजिए, और ये सेक को अगर कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करते हैं तो कोसेक होता है। तो हम यहां लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा। अब थीटा सेक के साथ 59 है, इसलिए यहाँ 59, ठीक 59 डिग्री। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में कोसेक 31 डिग्री माइनस, अब कोसेक का यहाँ कोसेक और 90 डिग्री में से 59 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे 31 डिग्री। अब यहाँ फिर वही है कोसेक 31 माइनस कोसेक 31, तो कोसेक 31 में से कोसेक 31 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, जीरो। तो इस तरह दोस्तों इसका भी आंसर जीरो और इसका भी आंसर जीरो। तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कैसे हम किसके साथ, कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, और फिर उसकी वैल्यू को सॉल्व पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।